दोस्तों, मैं यूपी ब्लॉगर आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी काफी दिनों से बोल रहे थे भाभी जी आप अपने नए घर का होम टूर करवाइए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया घर है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आप लोग के साथ अपना घर शेयर कर रहे हैं। जैसा दिख रहा है वैसा ही शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे मकान का निर्माण चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या आप मुझे बता सकती हो ये जो आपका मकान है कितनी स्क्वायर फीट में बन रहा है। तो ये जो है 5000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। तो इस मकान को बनवाने में कितनी लागत आई है ये सब मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, और इसके निर्माण में अभी तक कितने पैसे खर्च हुए हैं, आगे चलकर कितने खर्च होंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो फटाफट जल्दी से आप लोग के साथ शेयर करें। और जब आप सामने से मकान में एंट्री करते हैं तो आपको 50 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा आपको बरामदा मिल जाएगा, जिसे आप लोग हाल बोलते हैं लेकिन गांव में इसे बरामदा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई आए जाए बैठने के लिए बनाया जाता है, गांव के मकान में बरामदा बनाया जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये बरामदे में दो बड़े बड़े रूम हैं, और ये जो खिड़कियाँ लगी हुई है इसमें डिजाइन बनी हुई है। और ये जो खिड़की है 6 फुट लंबी 5 फीट चौड़ी है, और ऐसी ही 16 खिड़कियाँ इस मकान में बनाई गई हैं। तो दोस्तों चलो आप लोग मेरा घर देख लो, क्योंकि अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो आप लोग मेरा घर नहीं देख पाओगे, तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है।
और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे मकान में जो है 14 बेडरूम और 2 किचन 2 बाथरूम साथ साथ इतने बनाए जा रहे हैं। तो इस मकान की अनुमानित मैं बता दे रही हूँ कि लगभग 40 लाख के आसपास तक अभी तक खर्च हुआ है और लगभग अभी इस मकान में 25 लाख रुपए खर्च होगा। इस मकान की वैल्यू लगभग 65 लाख रुपए तक मेरे हिसाब से जाएगी। तो अभी हम सब लोग इस मकान को ऐसे ही कंप्लीट करवा ले रहे हैं। जब बाद में हमारा बजट होगा तब इस मकान में प्लास्टर पेंटिंग करेंगे। अभी ऐसे ही छत पड़ जाए फिर बाद में जो है प्लास्टर पेंटिंग करवाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मकान में हमारे घर वालों का पैसा लगा है। अगर घर वाले ना चाहते तो इस मकान का निर्माण शायद ही कभी करवा पाती। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए हमारा नया घर कैसा लगा और इस हमारे नए घर का निर्माण दीपावली तक शायद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा ना? मेरा घर पसंद आया ना? तो चलो चलते हैं, अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। उसका वेट करते रहना, बहुत ही जल्दी फिर मुलाकात करते हैं। भाभी आप लोगों से बोलती हैं, बाय।